हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन है 2 नवंबर, मतलब जिस दिन का मैं शूट कर रही हूँ उस दिन का बता रही हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अभी डेली रूटीन के काम है, इसलिए मैंने ये वीडियो फास्ट कर दी है। ये रोज़ का ही काम है, हर कोई करता है, वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो यहाँ पे ज़्यादा ही फास्ट कर दी थी। और मेरे यहाँ पानी की कैन आती है, आरो नहीं, पानी की बोतलें भरना एक तो सुबह या शाम, यही दो काम होते हैं। तो शाम को मैंने बोतलें जो है धो के रख ली थी, तो सुबह भर दी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कुछ नहीं, आप देख लीजिए। यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और मेरी सब्ज़ी भी पक रही है। मेरी सब्ज़ी पकी नहीं है अभी, जब तक मैं नहा के आ जाऊँगी तो ये भी पक जाएंगी। थोड़ी जो गट्ठेदार वो भी होती है ना, वो है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसे पकने में, लेकिन एकदम गलती नहीं है। चलिए मैं नहा के आती हूँ, तब तक ये गोभी पकती है। यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मेरी गोभी जो है सब्जी पक चुकी है, तो मैं अभी करूँगी पूजा। और जब मेरी पूजा हो जाएंगी तो मैं आपसे मिलती हूँ, मुझे बेटी को लेने स्कूल जाना है। हेलो फ्रेंड, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी बच्ची को, अपनी बेटी को लेने स्कूल। थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, 1 बजने का वैसे तो अभी टाइम है, बट मुझे थोड़ा काम भी है। एक टाइम दिखा दूँ, तो मुझे थोड़ा काम है, इस वजह से मैं जल्दी जाती हूँ। और अंशिका को लेके आने के बाद मिलती हूँ आपसे। चलिए बाय बाय। स्कूल से आने के बाद यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और जो मेरी रोटी बनी हुई नहीं थी, रोटियाँ क्या दिखाना, मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दी है, क्योंकि शूट जो था कर लिया था, इसलिए मैंने डाल दी इसमें क्लिपिंग। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को भी खाना दे दूँगी। और जहाँ तक ना, मैं चावल बहुत कम बनाती हूँ, खाती नहीं, इसलिए यहाँ पर हंसिका को थोड़ा ना ठीक नहीं लग रहा था स्कूल से आने के बाद, तो यहाँ खाना खा रही है। और मैं आपको सीधा शाम को ही मिलने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, दोपहर से मैं अभी शाम को मिल रही हूँ। शाम कहाँ, बहुत टाइम हो गया, अब हो ही जाता है कभी कभी। शाम का मैंने शूट नहीं किया था कुछ, एक्चुअल में हंसी को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था उसकी तबीयत, उस वजह से मैं अभी थोड़ा अपसेट थी। और ब्लॉग तो कंटिन्यू करना था, इसलिए मैंने चलो फिर कल के डालूँगी, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रेसिपी वगैरह कुछ और पसंद नहीं करते हैं लोग, है ना, ब्लॉगिंग ही पसंद करते हैं, व्यू देख के समझ में आता है। तो अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ, पर क्या बनाने वाली मुझे ही नहीं पता, तो चलिए जो बनाने वाली वही शेयर करती हूँ। हंसिका बिट्टू, देखती हूँ बच्ची कहाँ है। चलिए, यहाँ पे हंसिका का होमवर्क ले रही हूँ, दिया हुआ है दिसंबर का, यही सारी चीज़ें बस यही देखते रहो रोज रोज। मम्मी को बोलना कि डायरी देखो, डायरी देखो, डायरी देखो। अरे हाँ, देख लिया मैंने, बहुत पहले ही भेज दिया था इन्होंने, मैंने भेजा था 28 को भेजा था, बताओ आज 2 तारीख है, उसके बाद भी। अच्छा ये तो
तो ये जिसके जितने भी शेड्यूल होते हैं ना, मतलब इसके शेड्यूल जो है मैं किचन में वहाँ लगा के रखती हूँ एक दीवार में, वहाँ पे जरूरी है क्योंकि बार बार निकालने से अच्छा एक बार का महीने का आ जाता है तो वो लगा के रख दो, बहुत ईजी जाता है यार। कौन कौन ऐसा करता है मुझे ज़रूर बताना, अगर नहीं करता है तो करिए क्योंकि बार बार डायरी आप ध्यान नहीं जाता है, बुक में ज़्यादा ध्यान रहता है। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप शेड्यूल अलमारी पे जहाँ पे भी आपका ध्यान जाता हो और बच्चे ना निकाल सकते हो ऐसी जगह इसे ज़रूर लगाएं। बोल बोल के लिखो ना, मुझे आवाज़ आनी चाहिए ठीक है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आ रहा। कैसे बोलना नहीं आ रहा, नहीं आता है। चलिए हंसी का शेड्यूल जो है यहाँ पे मैंने किचन में इस तरह लगा के रखा हुआ है, ये पहले के है कुछ। चलिए खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मैं जो है पंपिंग होता है ना, पंपिंग की जो है गुलगुले बना रही हूँ। आप क्या बोलते हैं पता नहीं, मीठी भजिया भी बोल सकते उसको, मीठे पकौड़े जो भी। तो पंपिंग को जो है मैंने छील लिया था, उसके बीज जो अंदर का सब निकाल के इसे मैं कुकर में बनाऊँगी। कुकर में ही काट ले रही हूँ, बहुत आसानी होती है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत आसान जाएगा और जो क्रिस्पीनेस है ना वो भी रहेगा। तो हमने पम्पकिन काट के जो है धो लिया था और मैंने गैस पे चढ़ा दिया है कुकर, और शक्कर यही है जो इसकी जो ट्रिक है उसको क्रिस्पी बनाने की, जो शक्कर है पकाते समय आप कुकर में डाल दीजिए और पानी बिल्कुल एक कप जितना डालिए क्योंकि उसको पानी जो है छोड़ता है पम्पकिन, और थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक। हम जब पंपिंग पका लेते हैं और बाद में शक्कर डालते हैं तो वो पानी पानी बहुत हो जाता है और जो है क्रिस्पी भी नहीं होता है, थोड़ा सा गीले गीले से रहते हैं, पर इस ट्रिक से जो है क्रिस्पी हो जाएंगे। पर यहाँ पे मेरा पंपकिन जो है मैंने दो सीटी होकर दूसरी तरफ कर दिया था, और यहाँ पे मैं मेथी भाजी बना रही हूँ। मेथी में मटर गोभी आलू डाल के जो मैं पहले शायद शेयर कर चुकी हूँ, और यहाँ देखिए मेरा कुकर जो है ठंडा हो गया, मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी है। आटा फिर ज़्यादा देना पड़ेगा तो फिर मीठे नहीं लगेंगे, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको पानी सुखा लूँगी, और जो ये मखनी के हेल्प से जो है इसे मैं अच्छा मतलब मीस लूँगी। वैसे बहुत अच्छे से पका है वो, ये देखिए पूरा खीर के जैसा हो गया। अब मैंने जो है एक बर्तन में इसे निकाल लिया, मुझे गर्म गर्म मतलब थोड़ा ठंडा होने दे, हाथ चल रहे थे मेरे यहाँ, जब तक मेरा तेल जो है कढ़ाई में गर्म होगा तो मैं यहाँ पे ये मिक्स कर लूँगी। और मैं इसमें सिर्फ गेहूँ का आटा डाल रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा सूजी भी डाल सकती है, चावल का आटा भी क्रिस्पी बनाने के लिए। लेकिन जो मैंने ट्रिक यूज़ की है कुकर में शक्कर डाल दी थी जब पकाते समय, उससे जो है ये क्रिस्पी होते हैं, गीले नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ मैंने आटा दिया है गेहूँ का, यहाँ पर जो बहुत गर्म है उस वजह से मैं पानी का हाथ लेके बना रही हूँ। ऐसे गोल्डन करना है, येलो नहीं रखना है, येलो रखने से जो अंदर ना एकदम चिपचिपे से होते हैं और दांत में चिपकते हैं, थोड़ा सा गोल्डन ऊपर से कर लीजिए अच्छे लगते हैं। जैसे सारे जो गुलगुले हैं मैं इसी तरह से तल लूँगी, कढ़ाई शायद छोटी होगी, जब गुलगुले मैंने ज़्यादा डाल दिए इसको हल्के हाथों से जो है मैं ऐसे देखिए बहुत बढ़िया से गोल्डन हो गए। साइड में जो मैंने अखरोट फोड़े थे उसका कचरा दिख रहा है, तो मेरे पूरे जो है मैंने तल के निकाल लिए, अब मैं सारे ऐसे इस तरह से तल लूँगी। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये है मेरा आज का डिनर, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही थी, अगर मैं आगे बढ़ाती तो बहुत बड़ी हो जाती इस वजह से, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।